तो अभी हम सीखेंगे DJI Mavic Mini ड्रोन को उड़ाना। तो ये हमारे पास उसका बॉक्स है, अभी इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर में हमें ये अडाप्टर मिलेगा और ये उसका रिमोट कंट्रोल है, इसमें ही अपना मोबाइल कनेक्ट करके यूज़ करेंगे। और ये वो ड्रोन है जिसको हम अभी फ्लाई करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ड्रोन को सेट करेंगे, तो इसका एक बैटरी निकालते हैं हम ऐसे। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी डालेंगे, यहाँ पीछे में जगह दिया है, इसको थोड़ा ऊपर की ओर खींचेंगे, ये जगह खुल जाएगा और बैटरी को ये वाले पोजीशन में लेकर ऐसे अंदर की ओर धकेल देना है। ये बैटरी लग गया, अब इसको बंद कर देना है। इसके बाद जो इसका विंग है उसको ओपन करेंगे, ऐसे खोलना है ऊपर का ऐसे। उसके बाद जो नीचे वाला है उसको नीचे की ओर धकेलते हुए सीधा करना है ऐसे, और इसको भी सीधा कर लेना है दूसरे साइड से। तो हमारा ड्रोन सीधा हो गया। अभी इसके गिम्बल कवर को हटाएंगे ऐसे, यहाँ से पकड़ कर दबाते हुए। तो हमारा ये गिम्बल और कैमरा खुल गया है, ओपन हो गया है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ बटन, तो इसको दो बार दबाएंगे, एक बार धीरे से दबाएंगे, दूसरी बार थोड़े लंबे समय तक दबा के रखेंगे। तो ये वाले बटन को हमें दो बार दबाना है, एक और ये दो, दबा के रखना है जब तक थोड़ा सा कट से आवाज़ आएगा और साउंड आएगा एक ड्रोन से, तब तक ये चालू हो गया। तो ये हमारा ड्रोन चालू हो गया है। इसके बाद हम इसका जो रिमोट कंट्रोल है उसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। तो रिमोट कंट्रोल को ऐसे पहले सेट करेंगे, उसके बाद ड्रोन को उड़ाना है। तो ये उसका एंटीना है, इसको खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल रखना है, हमें मोबाइल रखने के लिए ये स्टैंड जैसा कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए इसको खोल लेना है। उसके साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर USB पोर्ट दिया है, माइक्रो USB का। तो हम जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सी टाइप का USB सपोर्ट करता है, तो ये सी टाइप का है। तो ये ड्रोन से इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे और अपना मोबाइल फ़ोन लेंगे। USB के दूसरे साइड को हम मोबाइल जो हाथ से चार्ज करते हैं वहाँ पे लगा देना है। तो हमारा मोबाइल इस पर फिट हो चुका है। अभी हमें रिमोट कंट्रोल को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए ये बटन मैं ज़ोर से दबाऊँगा, दबा के रखूँगा। ये जैसे ही बीप की साउंड आते ही इसका मतलब ये चालू हो गया। इसके बाद हमें ये DJI का सॉफ्टवेयर ओपन करना है, DJI फ्लाई करके लिखा है वो, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया है, ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे लिखा है गो फ्लाई, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ड्रोन है उसका जो व्यू है, जो वहाँ जो ड्रोन के कैमरे से हमें व्यू मिल रहा है वो दिखाई देने लगता है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी क्या करना है, ड्रोन को अभी स्टार्ट करना है। ड्रोन को स्टार्ट करने के लिए ये दोनों बटन हमें दबाकर नीचे की ओर खींचना पड़ेगा, जिससे ड्रोन चालू हो जाएगा। तो एक बार इसको ऐसे प्रेस करके हम नीचे की ओर खींचते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन चालू हो गया है। ड्रोन को टेक ऑफ करने के लिए यानी ऊपर उठाने के लिए हमें ये वाला बटन आगे की ओर धकेलना पड़ेगा ऐसे धीरे से। तो ऐसे हम देखेंगे कि हमारा ड्रोन जो है ऊपर उठ चुका है। यही वाले बटन से हम ड्रोन को और ऊपर उठाएंगे और ये वाले बटन नीचे करके हम पीछे की ओर ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला बटन दबाता हूँ तो ड्रोन पीछे की ओर जाता है। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ ड्रोन से और ये बटन दबा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ड्रोन जो है पीछे की ओर जा रहा है, दूर जा रहा है। अभी हम ड्रोन को ऊपर उठाएंगे, ये वाला बटन जो है ऊपर की ओर दबाऊँगा, आगे की ओर ले जाऊँगा। ये देखो हमारा ड्रोन ऊपर उठ रहा है। तो ये ऊपर उठ चुका है। अब ये वाला जो बटन है ये ड्रोन को आगे और पीछे ले जाने के लिए, अगर मैं नीचे की ओर खींचता हूँ तो ड्रोन हमारा पीछे जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा वीडियो है वो पीछे की ओर आ रहा है। तो रिमोट कंट्रोल में हमें चार टाइप के बटन दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे एक दिया है बटन, यहाँ पे एक और बटन दिया है और ये दो बटन, तो टोटल चार बटन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रिमोट के अगर साइड को देखें तो यहाँ पे एक और बटन दिया है, उसके नीचे में ये एक बटन दिया है और यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आप दो फोटो का जो सिंबल दिख रहे हैं, जो निशान देख रहे हैं, ये फ़ोटो खींचने के लिए है और ये वाला बटन वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए है। ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड होता है, ये फ़ोटो के लिए और ये वीडियो के लिए। इसके अलावा जो तीसरा बटन है तो ये वाले बटन का यूज़ होता है कैमरे को एडजस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से टोटल इसमें सात बटन है। इसके अलावा यदि हम मोबाइल की स्क्रीन को देखें तो वहाँ पर ड्रोन का हमें व्यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ड्रोन कैमरे का व्यू मिलेगा जो हमें ड्रोन कैमरे से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सेटिंग करने का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं सेफ्टी मोड है, कंट्रोल है, कैमरे का सेटिंग है, ट्रांसमीटर है और अबाउट है। सेफ्टी में यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ड्रोन है, तो यहाँ पे जो लिखा है मैक्सिमम एटीट्यूड, इसका मतलब यह है कि ड्रोन को हम कितने मीटर तक अधिकतम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर
354 लिखा है तो 354 तक उड़ा सकते हैं। यदि हम इसको 400 मीटर कर देते हैं, 415 मीटर, तो इतने हाइट तक उड़ेगा। और उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ रिमोट कंट्रोल से जो ड्रोन की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 25030 मीटर लिखा है, 2530 मीटर लिखा है। इसका मतलब 2 किलोमीटर के आसपास ये जाएगा, 2.5 किलोमीटर के आसपास। इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रिमोट है, जो ड्रोन है, उसका जो सिग्नल है वो वीक रहेगा यहाँ पे, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सारे सेटिंग है, इसको ध्यान ना देकर हम सीधा फ्लाइंग पे जाते हैं, फ्लाई पे जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, अभी हम ड्रोन को थोड़ा से ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के लिए ये वाला बटन, तो ऊपर ले जाने के लिए मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, और पीछे ले जाने के लिए और आगे ले जाने के लिए ये बटन यूज़ करूँगा। तो ये वाला जो बटन है, ये ऊपर और नीचे ले जाने के लिए मोस्टली, और ड्रोन को घुमा भी सकते हैं। और ये वाले बटन का यूज़ हम ड्रोन को आगे पीछे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम दोनों बटन एक साथ यूज़ करना सीखेंगे। पहले हम ड्रोन को थोड़ा पीछे लेते हैं ये वाले बटन की मदद से। तो ये वाले बटन को हम नीचे की ओर खींचकर ड्रोन को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। आप देख सकते हो धीरे धीरे मैं पीछे खींच रहा हूँ और ड्रोन जो है पीछे जा रहा है। और ये जो सामने वाला बटन है, इससे थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। तो हम दोनों बटन यूज़ करके हम ड्रोन को पीछे और ऊपर दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों एक साथ ऊपर उठा रहे हैं इसको। तो ये हमारा बहुत दूर तक चला गया है। स्क्रीन पर आप इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, तो काफ़ी दूर चला गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 43 मीटर की हाइट पर है और 185 मीटर दूरी पर स्थित है। अभी ड्रोन को वापस से लाएंगे हम। वापस लाने के लिए हम यहाँ सामने की ओर ये वाला बटन धकेलेंगे और इसको वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि जो ड्रोन है उसको पहले सामने लाना है, क्योंकि वो 185 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। तो ये बटन आगे की ओर मैं दबाता हूँ, धकेलता हूँ, तो जो ड्रोन है सामने की ओर आ रहा है, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा मैं नीचे ले जाऊंगा, नीचे ले जाने के लिए ये बटन धीरे से नीचे की ओर खींचूंगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप हाइट मेंटेन भी हो रहा है, देखिए 38 मीटर हो गया, 37 मीटर। अब मैं जो स्पीड है ड्रोन का, यानी सामने वाला है, उसको थोड़ा सा पीछे खींचता हूँ, इससे ड्रोन जो है नीचे आने लगा तेज़ी से। अब नीचे तो आ रहा है, अब इसको सामने की ओर लाना है, तो मुझे ये वाला बटन फिर से आगे की ओर धकेलना पड़ेगा। अब दूसरा बटन मैं छोड़ दिया हूँ, जो ड्रोन है ठीक हमारे ऊपर में है। अब ड्रोन को बंद करने के लिए हम वापस से वैसे ही बटन दबाएंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों बटन को वैसे प्रेस करते हुए नीचे की ओर से खींचना है, इससे हमारा ड्रोन जो है बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।